अच्छा, मैं काफी देर से बच्चों से पूछूंगा यार यहाँ पे पढ़ाकू कौन है, 3.9 GPA वाली मुझे लड़की भी मिली, बड़ा मैं खुश भी होता हूँ इस तरह के बच्चों को देख के यार, उन्होंने इतनी किस्म की मोटिवेशन है कि यार पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ तफरी भी बहुत ज़रूरी है, खाली चश्मे और स्कार्फ के साथ रहना सही नहीं है। एक यहाँ पे भाई बैठे हैं, देखते हैं कि ये। अच्छा मुझे बताएं आप क्या पढ़े? मीडिया थिंग्स की अभी क्लास हुई थी, उसका रिवीजन कर रहा हूँ। किसको? खुद ही अपने आप को समझाना? यार माशाल्लाह आज मुझे कोई 3-4 सितारों वाले स्टूडेंट लगे। रेटिंग होती है ना, जैसे यूट्यूब पे आती है 5 सितारे, ये चिकनी वीडियो है। छह सितारे होंगे तो आपके साथ 8 होंगे, वो भी सारे गर्दिश में होंगे। अच्छा मुझे ये बताएं आपका GPA क्या है? अभी फिलहाल तो 4 है इस सेमेस्टर का। 4 में से 4 है तो बात करने का मेरे ख्याल कोई तुक नहीं पड़ता। और CGPA क्या? CGPA 3.6। यार ये तो जबरदस्त है यार, माशाल्लाह आप तो छा गए। अच्छा जी, अब और स्टूडेंट्स ढूंढते हैं और टाइटल के बारे में पूछते हैं। अभी तक मुझे बिल्डर नहीं मिला है, तो लेट्स फाइंड आउट द बिल्डर नाउ। वेट गो लड़कों से बात करें या लड़कियों से? लड़कियां मुझे कुछ ज्यादा नजर नहीं आ रही। लेट्स गो आस्क समवन, यहां क्या हो रहा है? लेट्स गो चेक। हेलो गाइस, यहां पर इतनी लाजा लड़कियां क्यों नहीं है? अच्छा आपके साथ ही हो रहा दोबारा? ये इन्हीं के साथ दोबारा रैगिंग हो रही है। अच्छा एक सेकंड, आपके साथ क्या कर रहे हैं ये लोग? पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं पता। ओह यू लुक सो इनोसेंट। क्या मतलब आपका फर्स्ट डे? हां फर्स्ट डे, जब ये सब कुछ हो रहा है। एंड देयर योर क्लास फेलोज? देयर योर क्लास फेलोज? हां ये सब क्लास फेलो हैं। ये यहां पर देखिए, ये यहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी है एक लड़के के अंदर, उनसे पूछते हैं कि वो बिल्डर है या नहीं। कम बैक। हेलो, ये ले एनर्जी भाग गई फौरन। एक्सक्यूज मी, I'm sorry, I'm interrupting. अच्छा मुझे नहीं, काउंटिंग अलग है तुम्हारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सही काउंटिंग है ना? अच्छा मुझे बताओ अभी क्या तुम लोग खापा वापा करोगे इनसे? क्या करो, गरीबों की शक्ल तो देखो, खापा कराएंगे ये? खुद खापा कर सकती है भाई, ये हमें नहीं करवा सकती। खापे वाली है वैसे तो। हमने इनको डेयर दिया है कि आप ABCD सुना दें, अलिफ बे सुना दें, कौमी तराना सुना दें, इनको कुछ नहीं आता। अलिफ बे आते हैं? कुछ नहीं आता उनको। अच्छा इनसे बात करते हैं, सामने आपका क्या नाम है? फातिमा। अच्छा आपकी रैगिंग हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरी अभी तक रैगिंग। पकड़ो यार, पकड़ो। यहाँ से उठ के नहीं जाएगा कोई। अच्छा रैगिंग हो रही है, आपको कैसा महसूस हो रहा है? इज्जत हो रही है या बेइज्जती हो रही है, कैसा महसूस हो रहा है? अभी तक किसी की रैगिंग करने की तप्पर नहीं रही है। अब चूंकि हम पाकिस्तान में तो लड़के लड़कियों नहीं कुछ बोल सकते, ये लड़कियों के लिए, सीनियर लड़कियों के लिए शर्म का मुकाम होगा अगर वो इनकी रैगिंग नहीं कर सके। अच्छा कौन चैलेंज लेगा इसको रैग करने का? यार देखो ये सब आज तुम्हारी रैगिंग होगी ना, कल ये सारे तुम्हारे दोस्त होंगे, कोई नया यहाँ बैठा होगा उसकी रैगिंग हो रही होगी। पूरी 4 साल गुजारने तुमको यहीं पर। आप तुम कंफ्यूज क्यों हो रही हो? परेशानी क्या बात है? चलो यार, तुम सफाई नहीं कर, तुम खुद तो साफ होती हो ना। इस यूनिवर्सिटी में आपने को एडमिशन लेके आप अफसोस तो नहीं हो रहा इतने सारे लोगों को देख के? इन लोगों को देख के रो रहा है। आपने वहाँ जाना है? ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लड़कियाँ बैठी है, छियों को कोई नाम देना आपने, जो इनकी सेहत और हिसाब किताब से आपको लग रहा हो कि ये नाम है। ठीक है इधर ये माइक ले जाओ। आइडिया मेरे पास नहीं। सबको नाम देने के लिए कहा गया है, तो सबसे पहले इनके लिए, सबसे पहले बड़ों का हक, पहले बड़ों का हक इनके लिए। हेलो मोटो, अब उनके लिए मिस गुमशुदा, इनके लिए है। अच्छा अब यहाँ पर फंटर हमारे पास एक टाइटल है जिसके बारे में मुझे काफी सारे लोगों ने एक लड़के के बारे में बताया है। लेट्स गो टॉक टू हिम। कोई भी इंटरेस्टिंग सी बात बताओ जो आज तक तुम्हारी यूनिवर्सिटी में हुआ हो, किसी बच्चे को मतलब यूनिवर्सिटी में आके टीचर से मार पड़ी हो या कोई तरह का चक्कर? टीचर्स क्यों मारेंगे स्टूडेंट्स को? मुझे तो आज तक पड़ती आई है मार। हमें तो नहीं पड़ी। लड़कियों के नहीं, लड़कों को या किसी को भी कोई मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा कोई भी किस्सा निकाल के लाओ जो तुम जिस पे बड़ा हंसी हो, जिस पे कहते हैं लॉफ्टर कैन बी फेटल, वो वाली बात हुई हो। आई हैव जैसे एक दफा आप यूनिवर्सिटी में जब आप जाते हैं, ऑब्वियसली आप FSC पास करके जाते हैं, तो एक दफा हमारी क्लास में बच्चे को बोला कि आप रीड करें A levels, O levels, whatever,
उसको रीडिंग के लिए कोई चीज दे दी, तो वो जो वर्ड था वो टंग था, ठीक है, जुबान, तो उसको टोंग बोल रहा था। तो हम सारे हंस हंस के उल्टे हो गए थे। यहाँ पे कोई ऐसा किस्सा हुआ हो? क्योंकि यूजुअली जब नए नए बच्चे आते हैं, कुछ होस्टलाइट्स होते हैं, तो वो काफी रूरल एरियाज और मतलब इस तरह की जगहों से आते हैं, तो वो बेचारे अंग्रेजी बोलने में भी थोड़े से ढीले होते हैं। इस तरह का चक्कर कोई हुआ? नहीं, फिलहाल वी हैव एट लीस्ट इन माय बैच वी हैव लाइक नाइस पीपल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आपका नाम? शहरयार सरकार। शहरयार, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या एक्टिविटीज हैं यूनिवर्सिटी में? आपको क्या लग रहा है हम यहाँ कहाँ बैठे हैं? मुझे आपके बारे में कुछ काफी सारे सुनने को मिला, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर बात करने आई हूँ आपसे। आप यहाँ पर एडमिशन ले लें, आपको कुछ सुनने को भी देखने को भी मिलेगा। अच्छा, आप क्या यहाँ पर बहुत रैगिंग करते हैं या क्या क्या करते हैं? सिवाय पढ़ाई के तकरीबन सब कुछ। अच्छा, पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते, टाइम जाया इधर उधर? नहीं, पढ़ाई वो क्या है कि लोग पढ़ाई पीछे भागते हैं, लोग पढ़ाई हमारे पीछे भागती है। और आप हर वक्त कैंटीन में होते हैं? मोस्टली। Do you like eating a lot? जी बिल्कुल, लेकिन अपने पैसों से नहीं, obviously जैसे अभी juniors आए हैं, तो उनकी रैगिंग में तो बहुत ज्यादा खाया, बहुत मजा आया। Nice, you actually deserve the title funter. आपको पता है यहाँ पर मैं लोगों से पूछ रही थी कि यहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का फंटर कौन है, and they actually named you. मेरा नाम लिया। Congratulations. And we will talk to this pretty girl now. What is your name? मधिया, मुझे बताओ कि डू यू लाइक गेट रेडी एवरी डे फॉर यूनिवर्सिटी? नहीं, यू डू, या फिर ऐसे ही आ जाते हो कभी? थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है, रात के स्लीपिंग रेस्ट में थोड़ी आ सकते हैं। अच्छा, डेली रूटीन के अंदर कोई और चीज़ें करने का टाइम मिलता है, या फिर ये बीसीए इतना जो है वो बिजी रखता है कि यू डोंट गेट टाइम फॉर एनीथिंग? बिल्कुल भी किसी चीज़ का टाइम नहीं मिलता, आपको जो है ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आप तो रोज़ तैयार होकर आते हो। अच्छा, मुझे बताओ, हाउ मेनी आस्क्स आउट हैव यू गॉट टिल नाउ इन दिस यूनिवर्सिटी? आस्क आउट्स, how many guys have hit on you till now? I don't think so, only one. Only one? And did you say yes or no? I said yes. You said yes, so you are committed now. Okay. तो मुझे खाली ये बता दो कि यहाँ पे टॉमबॉय कौन है जो लड़की लड़कों के लिए रोज लड़कों की तरह तैयार होके आती है? लड़कों की तरह तैयार तो नहीं है, मोना बाजी हैं। अच्छा, अभी मैंने बार्बी डॉल और रॉक स्टार और बिल्डर तीनों के बारे में पूछ लिया, अब पूछते हैं चमचे के बारे में कि यहाँ पर कौन सा ऐसा चमचा है। अब चमचा मैं बताती हूँ किसका, टीचर्स का बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अलीना। कौन से ग्रुप के हो? मैं बीसीए कर रही हूँ और फोर्थ सेमेस्टर में हूँ। मीडिया साइंसेज, राइट। अच्छा, मुझे आपने यहाँ पर ये बताना है, जितना मोहल्ले में आंटियाँ होती हैं इधर की बात उधर लगाती हैं, यू नो, किसी को बहुत ज़्यादा बटरिंग कर रही होती हैं क्योंकि उनसे कोई फ़ायदा होता है एंड एवरीथिंग, यहाँ पर कौन सा ऐसा लड़का है जो लड़कियों की बहुत बटरिंग कर रहा होता है, बहुत चमचागिरी कर रहा होता है, यू नो, बातें इधर से उधर लगाना, फलाना ये कह रहा था, फलाना वो कह रहा था, कौन है ऐसा? तो सिर्फ एक ही बंदा है, वन एंड ओनली फरहाद सेड। फरहाद, सॉरी, सेड। सेड, एंड विच ग्रुप इज ही फ्रॉम? He's also doing media sciences and he's in, I guess, sixth semester. He's your class fellow? No, I'm on fourth semester. अच्छा, मुझे बताओ, वाकई इस यूनिवर्सिटी में तुम्हें लगाओ कि यार ये लड़की लड़के की तरह लगती है, टॉम बॉय जिसे बोलते हैं, कोई है ऐसी लड़की? हाँ, एक है, हमारी प्रेसिडेंट है मोना, वो अभी अंदर रूम। मोना बाजी, मोना बाजी, मोना भाई बोलते हैं।